गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में यानी पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है वो हमने सीखा है और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास इलेवेंथ में और ट्वेल्थ में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे काम आएगा वो अगली क्लासेज में, ठीक है। और आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमारी जो एक्सरसाइज है यानी कि हमारा चैप्टर फोर्थ है उसमें थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे हम कर चुके हैं और कुछ एक क्वेश्चन है वो हमारे ट्रेन के ऊपर है, यानी ट्रेन के क्वेश्चन दिए हुए हैं तीन चार। तो मैं पहले करवा चुका हूँ ट्रेन के क्वेश्चन, बहुत पहले करवा चुका हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी उसी टाइम पे करवा दिए थे। और उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो एक वाटर टैप का क्वेश्चन है जो कि वाटर पाइप के ऊपर दिया गया है, आज हम उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए हमारा ये वाटर टैप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू वाटर टैप्स टूगेदर फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर, यानी कि दो पानी के नल है। वाटर टैप का मतलब होता है पानी के नल, ठीक है, और वो दोनों मिलकर किसी टैंक को भर सकते हैं 9 होल 3/8 आवर्स में। 9 होल 3/8 यानी इसको मैं अच्छी तरह से लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 8 की गुणा करेंगे तो 9 8 72 72 और 3 को जोड़ देंगे 75/8, यानी इतने घंटों में 75/8 इतने घंटों में वो दोनों टैप मिलकर उस टैंक को फुल कर देते हैं। दो टैप हैं और उस टैंक को वो फुल कर देते हैं। जैसा मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास कोई ये इस तरह का टैंक है, ये हमारे पास कोई टैंक है इस तरह का, हम अजूम कर लेते हैं कोई वाटर टैंक हमारे पास है ये, और इस वाटर टैंक को दो टैप से वो फिल करते हैं, ठीक है, और वो दोनों टैप इस वाटर टैंक को 75/8 आवर्स में फुल कर देते हैं। ये पानी का कोई टैंक हमने अज्यूम किया है, ठीक है। आगे कंडीशन पढ़िए, द टैप्स यानी जो नल है ऑफ लार्जर डायमीटर, जो टैप है जो बड़े डायमीटर का है, यानी एक नल है वो छोटे डायमीटर का होगा, एक नल है वो बड़े डायमीटर का। लिखा है कि जो बड़े डायमीटर का है वो टेक्स 10 आवर लेस, 10 घंटे कम समय लेता है, और किससे कम समय लेता है, देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर वो दोनों अलग अलग टैंक में डाल दिए जाएं, यानी दोनों के दोनों टैप अलग अलग टैंक को अगर भरने लग जाएं, तो जो बड़ा डायमीटर का टैप जो टैप है वो टैंक को भरने में 10 घंटे कम समय लेता है। ऑफ कोर्स ये बात हम बता सकते हैं, हम सभी को इस बात के बारे में पता भी होगा, जैसे हमारे पास कोई दो नल है, एक बड़ा नल है जैसे कि हमारा ट्यूबवेल का नल मान लीजिए, और एक छोटा नल है जैसे कि हमारे घर में जो नल होता है, तो अगर हम इन दोनों नल का कंपैरिजन करें तो ट्यूबवेल का नल बड़ा होता है, वहां पे जो पानी आता है वो ज्यादा मात्रा में आता है और वो किसी टैंक को बहुत ही कम समय में भर सकता है। घर का जो नल है वो उसी टैंक को भरने में बहुत ही ज्यादा समय लेगा, तो ऑफ कोर्सली हम ये बात समझ सकते हैं कि जो बड़ा नल होता है वो ज्यादा समय नहीं लेता है, वो कम समय लेता है, छोटा नल होता है वो ज्यादा समय लेता है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि जो छोटा नल है वो यहाँ पे 10 घंटे ज्यादा समय लेता है और जो बड़ा नल है वो 10 घंटे कम समय लेता है। तो हमें ये बताना है कि दोनों के दोनों नल हैं जो अगर टैंक में डालते हैं तो कितना समय लेते हैं, यही पूछा है इसने। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक, प्रत्येक टैंक ने कितना समय लिया कैन फिल द टैंक सेपरेटली। अगर उस टैंक को अलग अलग भरने लग जाए, अलग अलग टैंक को भरने लग जाए नल, तो फिर वहां पे कितना समय लिया जाएगा। तो हम यहाँ ज़ूम करके चलेंगे कि एक तो छोटा नल है वो एक्स घंटे लेता है और बड़ा नल है वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ ज़ूम करेंगे लेट सॉल्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पे लेट द स्मॉलर टैप कैन फिल टैंक,
हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो टैंक को भर सकता है इन एक्स आवर्स, एक्स घंटों में। हमने ये अज्यूम किया है कि जो छोटा नल है, यानी जो अपने घर पे नल है, वो नल उस टैंक को, टैंक एक ही है, टैंक कॉमन है, अलग अलग टैंक नहीं है, एक ही टैंक है, तो उस टैंक को भरने में एक्स घंटे लेता है। ठीक है, अब जो बड़ा डायमीटर का जो टैप है वो उसको भरने में कम समय लेगा, ये तो नेचुरली बात है। अब कम समय लेगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे लिखा है कि लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, कितना कम लेगा, 10 घंटे कम समय लेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द लार्जर टैप कैन फिल टैंक इन एक्स माइनस 10 आवर्स, 10 घंटे कम समय लेगा वो, 10 घंटे कम समय लेगा। जो बड़ा पाइप है आपके पास, बड़ा डायमीटर का नल है, टैप है, वो कम समय लेगा। ठीक है, अब ये पूछा है इसने कि वो दोनों अगर अलग अलग भरने लग जाएं तो कितने समय में फुल कर देंगे। पहली लाइन में ये है कि जब दोनों एक साथ मिलके भरते हैं तो इतने घंटों में वो फुल करते हैं, दोनों एक साथ मिलके टैंक को इतने घंटों में 75/8 आवर्स में फुल कर देते हैं दोनों मिलके, तो हम क्यों ना यहाँ पे दोनों का 1 घंटे का निकाल लेते हैं और फिर इतने घंटों में वो उसको फुल कर देंगे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम चलेंगे आगे। तो दोनों नल हैं वो एक एक घंटे में कितना टैंक भर देते हैं वो निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई 1 एकड़ जमीन है और उसमें हमने कुछ फसल उगा रखी है और उसकी हमें कटाई करनी है, तो अगर मैं ये कहूं कि हम 1 एकड़ जमीन की कटाई 4 दिन में कर देते हैं तो 1 दिन में कितनी कटाई हुई होगी, 1 दिन में कितनी कटाई हुई है, 1/4 पार्ट, चौथा हिस्सा कंप्लीट हुआ है। तो वही बात है कि अगर कोई टैंक एक्स घंटों में भरा जाता है तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 1 घंटे में 1/x पार्ट, यानी कि अगर मैं 1 घंटे की बात करूं इन 1 आवर, यहां मैं लिख देता हूं इन 1 आवर, 1 घंटे में अगर मैं यहां पे लिखूं कि 1 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा, इन 1 आवर टैंक विल बी कवर्ड इज 1/x पार्ट, इज 1/x पार्ट, और यहां से कितना फिल हो जाएगा 1 घंटे में, 1/x-10 पार्ट। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां पे अलग से लाइन में बनाकर लिख सकते हैं कि इन 1 आवर स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक ए 1/x पार्ट, इन 1 आवर लार्जर टैप कैन फिल द टैंक 1/x-10 पार्ट। ठीक है, अब ये 1 घंटे का हो गया, 1 घंटे में छोटे वाला जो पाइप है वो इतना हिस्सा भर सकता है, 1 घंटे में बड़े वाला जो पाइप है वो इतना हिस्सा भर सकता है। अगर दोनों को मिला दे, हम मिला क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहां कंडीशन दे रखी है कि दोनों वाटर टैप एक साथ टूगेदर, दोनों को एक साथ यहां पे डाला गया है, दोनों पाइपों को एक साथ टैंक में डाला गया है, तो वो मिलके इतने घंटों में फुल कर देते हैं। एक पाइप है वो छोटा है, एक पाइप है वो बड़ा है, इस शेप के होंगे दोनों। जैसे एक पाइप मैंने ये ले लिया, ये छोटा पाइप इस तरह से हमारे पास, और एक पाइप मैंने ऐसे बड़ा ले लिया ये पाइप, तो ये तो हमारे पास हो गया लार्जर और ये हो गया स्मॉलर। दोनों को अगर मैं एक साथ डालता हूं एक ही यहां पे टैंक में, तो 1 घंटे में कितना भर देते हैं वो ये देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, अब पहले वाला जो सोलर टैप है उसने 1 घंटे में 1/x पार्ट फिलअप कर दिया, 1/x कर दिया, बड़े वाले ने 1 घंटे में 1/x-10 कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों का 1 घंटे का हो गया, दोनों टैंक, दोनों जो पाइप है वो जब एक ही टैंक में चलाएंगे तो 1 घंटे में उसने इतना भर दिया। अब हमें बताना है कि 75/8 इतने घंटों में उसको टैंक को फुल किया गया है, तो ये तो 1 घंटे का है दोनों का, अगर दोनों का हम 75/8 घंटों का निकालेंगे तो दोनों से गुणा कर दिया और एक टैंक को उन्होंने फुल कर दिया है, तो 1/1 लिख सकते हैं, पूरा काम हो गया उनका।
ठीक है कि नहीं। ये इतना इतना जो काम था, ये इतना जो हिस्सा भरा है, ये केवल एक घंटे का है, लेकिन 75/8 घंटों का निकालना हमें, तो गुणा कर दिया, अभी 75/8 घंटों का हो गया और इज इक्वल टू 1 ले लेंगे हम, 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल टैंक को फुल किया इसने 75/8 घंटों में, टोटल एक टैंक को इन्होंने फुल किया, इसलिए हमने 1 लिख लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 75/8 इसको मैं उधर ले आता हूँ, उधर ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा, और इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस 10। अब x से x कैंसिल हो गया, x माइनस 10 बच जाएगा, यहाँ प्लस में x माइनस 10 कैंसिल हो गया, x आ जाएगा। अब ये 8/75 हो जाएगा उधर जाके। अब यहाँ पे देखिए x और x को ऐड कर लो, 2x माइनस 10 डिवाइड बाई, यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं हम, x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की यहाँ करेंगे तो माइनस का 10x हो गया, इक्वल टू 8/75। अब इसके बाद में इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ही बची है हमारे पास केवल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आएगा, यहां पे देखिए पहले तो 2x-10 है, इसकी गुणा मैं 75 के साथ कर लेता हूं, तो यहाँ पे 75 2x के साथ होगी तो 150x हो जाएगा, 150x माइनस 75 की 10 के साथ कर दो, 75 की 10 के साथ करें तो 750 इज इक्वल टू बीच में आ जाएगा आपके पास, और 8 की गुणा कर दो यहां तो 8x² हो जाएगा, 8x² हो गया, और माइनस का 8 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 80x, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इनको, एक तरफ ले जाओ, यानी ये वाले दोनों टर्म उधर लेके जाएंगे हम, तो आपके पास यहां आ जाएगा 8x² माइनस का 80x और माइनस का 150x और प्लस का 750 इक्वल टू, इधर क्या बच गया, जीरो बच गया, यानी ये 150 है, 150 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो है उधर जाके माइनस का, और ये 750 है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, यहां से रिजल्ट आ गया हमारे पास 8x² माइनस के, अब ये कितना हो जाएगा, 150 और 80 यानी 230 माइनस के 230x और प्लस में 750 इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को अब हमें सोल्व करना है, और सोल्व करने के हमारे पास तीनों तरीके हैं, हम तीनों के तीनों तरीके बता चुके हैं, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्री द्राचार्य रूल भी बोलते हैं उसको, इंडियन मैथमेटिशियन ने यह नियम दिया था श्री द्राचार्य रूल, इसको भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ डी अपॉन 2a, वो वाला फॉर्मूला होता है, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं आगे, देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूं, यहाँ पे 8 आया हुआ है, यहाँ पे 230 है और यहाँ 750 है, तो सभी को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4x² ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस 115x और यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा 2 3 6 एक बच गया, 5 उतार लेंगे तो 2 7 14 और 2 5 10 बराबर 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन करना है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या देखना होता है कि जो हमारे रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट और रूट्स का सम, ये हमें देखना जरूरी होता है फैक्टराइजेशन में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रूट्स का प्रोडक्ट और रूट्स का सम कितना है, उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहां पे जो सम होगा, सम जो सम होता है वो तो हमारा x का कोफिशियंट है यानी माइनस का 115 और जो प्रोडक्ट होता है यानी जो गुणा होगी वो आपकी होगी यहां पे कांस्टेंट टर्म
और यह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इन दोनों की प्रोडक्ट जो होती है वो वहां प्रोडक्ट में आएगी, यानी 375 की 4 से गुणा कर लो शायद 1500 हो जाएगी, 1500 1500। तो अब आपको यहां पे ऐसे दो वैल्यूज बतानी होंगी जिनकी गुणा करने पे तो यह आ जाए और जिनका जोड़ करने पे माइनस का 115 आ जाए। तो यहां पे तो ये सिंपल सा ही है, अगर हम गुणा करें तो 1500 और जोड़ करें तो 115, तो 100 और 15 100 और 15, 100 और 15 की गुणा करें तो यह आ जाएगा 1500 और जोड़ेंगे तो 115, लेकिन माइनस का चाहिए हमें तो हम दोनों को माइनस ले लेते हैं, यानी कि माइनस का तो 100 ले लेते हैं और माइनस का है 15, दोनों के आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा, दोनों का सम करोगे तो यह आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे पेयर फैक्टर में, क्या बनेंगे माइनस का 100 और माइनस का 15। तो यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं इसको, हम स्प्लिट करेंगे, यहां से स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² और ये माइनस 100x और माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन यहाँ पे 4x है तो यहाँ क्या बच गया x-25, यहाँ पे माइनस का 15 कॉमन ले लो, x-25 यहाँ बच जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से देखो हमने 15 कॉमन लेना है, माइनस भी ले ली हमने कॉमन, क्यों ली माइनस, ताकि इस जैसा यहाँ अंदर बनाया जा सके, ठीक है। माइनस का 15 कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ तो एक एक्स बच गया और यहाँ 375 है, 375 को जब आप 15 से भाग दोगे ना तो 25 बचेगा, क्योंकि मैं 375 को लिख सकता हूँ 15 गुणा में 25, तो मैंने 15 को बाहर ले लिया और 25 मेरे पास अंदर बच जाएगा, और यहाँ प्लस था, प्लस में से एक माइनस मैंने बाहर ले लिया, एक माइनस यहाँ बच गया। अब देखिए x-25 तो दोनों जगह से x-25 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ x-25 और पीछे क्या बचिया 4x-15 = 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है वो 0 है तो इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही होगा, आइदर फर्स्ट वैल्यू इज 0 और सेकंड वैल्यू इज 0। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को 0 रखता हूँ, एक्स माइनस में 25 को 0 रखूंगा तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। अगर मैं इस सेकंड वैल्यू को 4x-15 को 0 रखता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। अब इन दोनों में से देखना है कि सेटिस्फाई कौन सा करेगा, x का मान कौन सा होगा। तो यहां पे देखिए हमने क्या माना था कि स्मॉलर टैप है वो टैंक को भरता है x घंटों में और जो लार्जर टैप है वो बनता है भरता है एक्स माइनस में 15 में। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू इस हिसाब से सेलेक्ट करनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके, जो घंटे हैं वो हमेशा पॉजिटिव में ही आपके पास आने चाहिए, ऐसा ना हो नेगेटिव में आ जाए। हो सकता हो मैं अगर x का मान 15/4 लेता हूं और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 15/4 तो हो सकता है यहां से वैल्यू आपकी नेगेटिव भी बन जाए और नेगेटिव बन जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपकी सही वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आवर्स। तो यहाँ पे छोटा जो टैप है उसको भरने में कितने घंटे लगे 25 आवर्स। तो छोटा जो टैप है उसको भरने में 25 आवर्स लग जाएंगे और जो बड़ा टैप है उसको भरने में तो 25-10 = 15 आवर्स 15 घंटे लगेंगे। तो ये दोनों के दोनों आपके पास वैल्यू जा जाएंगी, यही हमें बताना था। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू है वो 25 यानी जो छोटा पाइप है वो तो भर सकता है 25 घंटों में और जो बड़ा पाइप है वो 10 घंटे कम में यानी कि 15 घंटों में टैंक को फुल कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से देखिए अगला हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है वो
हमें एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मिलेगा, और वो क्वेश्चन हमारा ये होगा, देखिए सम ऑफ द एरिया ऑफ, क्वेश्चन हमारा ये है सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स, हमें कोई दो स्क्वेयर दिए हुए हैं, कोई दो स्क्वेयर दिए हुए हैं, उनके एरिया का जो सम है वो दिया हुआ है हमें 468 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, कोई दो स्क्वेयर हमारे पास है, जैसे हमने अज्यूम कर लिए यहां पे एक स्क्वेयर ये है, दूसरा स्क्वेयर हमने ये मान लिया, ठीक है, इसकी जो साइड है वो मान ली एक्स मीटर, इसकी जो साइड है वो मान ली वाई मीटर, तो दोनों का जो एरिया का सम, एरिया का सम यानी इसका एरिया निकालेंगे तो स्क्वेयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर होता है साइड इनटू साइड, तो यहां पे स्क्वेयर की सारी भुजाएं एक्स मीटर ही होंगी या वाई मीटर होंगी, तो इसका तो एरिया कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसका एरिया कितना आ जाएगा वाई स्क्वेयर, तो ये आपके पास दोनों जो स्क्वेयर है इनका एरिया होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वेयर जमा वाई स्क्वेयर, सम दिया हुआ है ना तो प्लस करेंगे, और किसके इक्वल है ये 468 के इक्वल। ठीक है, अगली कंडीशन हमें दे रखी है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगली कंडीशन है इफ द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, उनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 24 है, इज 24 मीटर, तो हमें बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, तो हमें बताना होगा कि एक्स और वाई का मान यहां पे क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, दोबारा से देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास कोई दो स्क्वेयर हो, टू स्क्वेयर, अगर हमारे पास कोई दो स्क्वेयर हो और दोनों के दोनों स्क्वेयर का एरिया है वो हमें सम के इक्वल, एरिया का सम, सम दिया हुआ है आगे एस यू एम, तो दोनों के एरिया का जो सम है वो हमें 468 मीटर स्क्वेयर गिवन है, और 468 मीटर स्क्वेयर गिवन है वो एरिया का जो सम है वो है, तो एरिया अपने पास हो गया दोनों का एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, हमने एक्स क्या माना है यहाँ पे इस वाले स्क्वेयर की भुजा, और वाई क्या माना है इस वाले स्क्वेयर की भुजा हमने, यानी ये वाला जो स्क्वेयर ये बड़ा है और ये वाला जो स्क्वेयर है ये हमने छोटा लिखा है, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस सम करना है तो वाई स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का जोड़ कर दिया बराबर 468। दूसरी कंडीशन ये लिखी है कि द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर ऑफ देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर्स का डिफरेंस, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, और परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़, तो यहां पे आपके पास चारों भुजाएं वाई, ये भी वाई, ये भी वाई और ये भी वाई, ये तो आपके पास एरिया था और ये भी आपके पास एरिया था, तो चारों भुजाओं का जोड़ कितना हो गया 4y हो गया, तो यहां लिखेंगे 4y आ जाएगा और इसका आ जाएगा 4x और ये बराबर है 24 के, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4 से भाग कर दो, 4 से भाग क्यों कर रहे हैं ताकि कहें तो 4 से डिवाइड करने में क्या वैल्यू मिलेगी हमें, देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6, ठीक है, यानी ये तो y मिल गया 4 से डिवाइड करने पे कैंसिल हो गया, ये भी 4 कैंसिल हो गया, इसको 4 से डिवाइड करने पे हमें 6 मिल जाएगा, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को अब हम यहां से सोल्व आउट करेंगे, दोनों से सोल्व आउट करते तो यहां से y की वैल्यू निकाल देते हम, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 6 प्लस में एक्स आ जाएगा, ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहां से क्या रिजल्ट मिलता है हमें,
अब एक्स वाई की वैल्यू है वो 6+x आ गई है, जो वाई की वैल्यू 6+x है ये हम यहां पुट कर देते हैं इस वाई के अंदर, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां वाई स्क्वायर है यहां पुट करेंगे तो वाई के अंदर 6+x रखना है, तो यहां लिखा जाएगा 6+x होल स्क्वायर इक्वल टू 468 एज इट इज। अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो ये तो सेम हो जाएगा, इसमें a जमा b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a जमा b का होल स्क्वायर हमें पता होगा यहाँ पे, a जमा b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ a स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस में x का स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो 12x हो जाएगा बराबर 468। अब सभी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, सभी टर्म्स को एक तरफ करते हैं तो x2 कितना हो जाएगा 2x2 हो गया 12x, ये प्लस का आपका हो जाएगा 12x, अब 36 प्लस का है और 468 है इधर प्लस का, 468 को मैं इधर ले आता हूं तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां 468 और ये है 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच गया 8 में से 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 432 आपके पास माइनस के 432 बचेंगे और इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन की हेल्प से, फैक्टराइजेशन मेथड हम करवा चुके हैं आपको, आप खुद करोगे इसको आगे सोल्व, मैं आपको यहाँ पे केवल इतना बता देता हूं कि इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए, इसके पेयर बना के बता देता हूं, इसको आप 2 से पहले भाग कर लो ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए, 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x2, यहाँ 2 से भाग करें तो 6x और यहाँ 2 से भाग करें तो 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 इक्वल टू 0 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस का 216 और यहाँ सम होना चाहिए प्लस का 6, तो ऐसा पेयर आपको ढूंढना पड़ेगा कि गुणा करने पे तो माइनस का 16 आ जाए, उन दोनों संख्याओं की प्रोडक्ट और दोनों का सम आ जाए वो 6 आ जाए, तो ऐसा पेयर आपको ढूंढना है, वो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप ढूंढ सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आप इस तरह से 216 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह कर ले, 2 से सोल्व कर लो 2 1 2, फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो 0 2 8 16, फिर 2 से कर देंगे 2 5 10, 2 6 8, फिर 2 से कर देंगे तो 2 2 4, 2 7 14, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 9 27, फिर 3 3 9, ठीक है 3 3 9। अब आपको यहां से देखना पड़ेगा ऐसा पेयर जिनकी गुणा करने पे तो ये बन ही जाएगा और ऐड करने पे 6 आ जाए, तो देखिए क्या क्या बन सकता है यहाँ पे, 3 6 6 12 ले लेते हैं, ठीक है, और 12 24, एक तो ये ले लिया मैंने 24 और 3 3 9, 24 और 9, 24 और 9, लेकिन यहां पे इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 216 होना चाहिए, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा माइनस का, किसी एक को भी ले सकते हो, जैसे माइनस का 9 ले लिया मैंने, अब इन दोनों का जोड़ है वो 6 होना चाहिए, तो 6 तो इन दोनों का सम नहीं होगा, 6 तो नहीं होगा, 24 और 9 माइनस का है, इनका सम तो 6 नहीं हो पाएगा, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं हुआ, ये पेयर आपका पॉसिबल नहीं होगा, और दूसरा पेयर ढूंढना पड़ेगा आपको, ये नहीं होगा पॉसिबल, दूसरा पेयर और ढूंढते हैं, तो कितना ले लेते हैं देखिए 2 to the 4, 4 to the 8 और यहाँ पे 8 ले लिया हमने, यहां आ जाएगा 3 3 9 9 3 27, 27 और 8, शायद इनका भी पेयरिंग अगर हम करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, 27 और 8 का अगर आप करोगे तो 6 तो किसी तरह नहीं आ सकता हमारे पास, और कोई देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहां से 3 3 9, 9 2 18, ठीक है, और यहां से 2 2 4 और 4 3 से कर दीजिए 12। अब ये देखो 18 और 12, 18 और 12 दोनों की गुणा 216, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 216, तो इनमें से किसी एक को माइनस ले लो, माइनस का मैंने 12 ले लिया, अब दोनों की गुणा तो कितनी होगी माइनस का 216, और जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ 6 आ जाएगा,
दोनों का जोड़ कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे 18 और माइनस 12 बन गए। अब इनसे आप सोल्व कर सकते हैं, इनसे सोल्व करें तो स्प्लिट कर दीजिए, इसको स्प्लिट करेंगे हमें इस 6x को, तो क्या लिखेंगे स्प्लिट करने के बाद, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, स्प्लिट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 6x को मैं स्प्लिट करूंगा प्लस का 18x माइनस का 12x और माइनस का 216 है वो एज इट इज बराबर 0। अब आगे देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो यहां से x कॉमन ले लो, x प्लस में 18 बच गया, और यहां से माइनस का 12 कॉमन ले लो, x प्लस में 18 बच जाएगा बराबर में 0। अब x प्लस 18 दोनों में से बाहर आ जाएगा, और यहां बच गया x माइनस में 12 इक्वल टू 0, दोनों की गुणा 0 है, इट मींस किसी ने किसी को 0 होना ही होगा। तो यहां से x की वैल्यू तो माइनस का 18 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 12 आएगी। तो ये वैल्यू तो आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है। वजह ये है क्योंकि x यहां पे कोई लेंथ है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x का मान 12 हो जाएगा। x का मान 12 होगा तो y का भी निकाल सकते हो आप, x की वैल्यू 12 यहां रख दीजिए और y की वैल्यू 18। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो स्क्वायर हैं उनकी साइड्स आपके पास आ गई है, एक की साइड आ गई 12 मीटर और दूसरे की साइड आ जाएगी 16 मीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।